चले मेरे भाइयों, आप सभी का स्वागत है माइनक्राफ्ट के कौन नहीं और लास्ट एपिसोड में। ये है माइनक्राफ्ट के एपिसोड 54 एंड भाई ये है माइनक्राफ्ट का लास्ट एपिसोड। एंड भाई आज के वीडियो में मैं आपको पूरा टूर देने वाला हूँ इस वर्ल्ड का, क्या मैंने करा है, क्या क्या नहीं करा है, क्या है सीन, पूरा सब कुछ दिखाएंगे। तो भाई स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हमने बनाया था देखो भैया, सबसे एंड में है ये अपना लाइट हाउस। एंड भाई कुछ ऐसा दिखता है, बहुत ही बड़ा है एंड काफी ज्यादा हेल्प करता है मेरे को, मैं किधर भटक जाता हूँ तो। एंड भाई सच्ची बताओ कुछ ज्यादा हेल्प करता है ये अपना, बहुत ज्यादा ओपी वाला क्या बोलते हैं इसे लाइट हाउस। एंड यहाँ पर अभी है नेक्स्ट चीज है एक्सपी फार्म, ऊपर आप देख पा रहे हो ये है अपना एक्सपी फार्म। इधर से आप नीचे जाके वेट कर सकते हो, एफके जो भी है वो कर सकते हो, फिर आप ज़ॉम्बी को मार सकते हो। इसका चैम्बर यहाँ पर है, किलिंग चैम्बर, तो भाई यहाँ पर देख सकते हो आप लोग। एंड छोटू स्पॉन हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक सेकंड भाई, ओके भाई यार पर एक स्लेम स्पॉन भी हो चुका है, बहुत ही ओपी। ओके मारने दो इसे। एंड भाई ये है अपना स्लेम, बहुत ही सही यार, यहाँ पर स्लेम भी स्पॉन होते हैं। एंड यार ये कुछ ज़्यादा जगह बड़ा है एंड बहुत ही सही है, ठीक है। ओके भैया ये है अपना बैरल में अपन लग देते हैं। अभी अपन चलते हैं ऊपर, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ नेक्स्ट चीज, तो चलो ऊपर काफी सही चीज है। एंड भाई ये है माइनक्राफ्ट के लास्ट एपिसोड, क्योंकि यार आप लोग सपोर्ट ही नहीं दिखा रहे हो बेफालतू, इतने ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ मैं, मतलब क्या ही बताऊँ, दो तीन तीन घंटे लगते हैं एक चीज बनाने में, फिर भी यार आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो मजा नहीं है फिर बनाने में। तो भाई ये है अपना लास्ट एपिसोड, ठीक है। तो एंड ये है अपना लेदर फॉर्म, जैसे कि यार आप लोग देख पा रहे हो, सबसे पहले हमने यही बनाया था एंड काफी सही लेदर फॉर्म देता है। यहाँ पर एक्चुअली सब चीजें हैं, शीप है, पिग है, डक है, काऊ है, सब है। एंड ये अपना घर, रुको सामने से देखा तो कुछ ऐसा इसका इंटीरियर है, ठीक है भाई, बहुत ही ओपी इंटीरियर है। एंड रुको एक सेकेंड, बाहर से दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, रुको बाहर से भी बाद में दिखाऊंगा। एंड भाई सेकेंड फ्लोर में इसका एंचेंटिंग रूम, जहाँ पे मैं एंचेंटिंग करता हूँ अपना सारे सामान को। एंड ये है अपना मेन पर्सनल रूम, जहाँ पे मेरा बेड है। एंड ये है अपना गार्डन वाला बालकनी, जिसके अंदर पोर्टल है इधर जाने के लिए। एंड अभी अपन जाएंगे नीचे, मैं आपको दिखाता हूँ कैसा दिखता है बाहर से, रुको एक सेकेंड, रुको सुबह दिखाएंगे। एंड ये भाई अपनी एनिमल बिल्डिंग है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, रुको भाई सुबह दिखाएंगे, ठीक है। एंड भैया ये वाली वीडियो तो पूरा देखा कम से कम। ओके भैया अभी सुबह है, हो चुके हैं। एंड अभी मैं आपको दिखाता हूँ बाहर से कुछ कैसा लग रहा है अपना। तो यार अगर आप अभी भी मुझे सपोर्ट करोगे तो न्यू वीडियो आते रहेगी, तो सपोर्ट करो यार, हो सके तो अगर आप अभी सपोर्ट करोगे ना तो भाई सच्ची बता रहा हूँ आएगी। एंड ये अपना एनिमल बिल्डिंग बहुत ही सही है, इसके अंदर एनिमल नहीं है पर कोई दिक्कत नहीं है। एंड यार ये अपना इलाइट्रा है, इस वीडियो में मैं इलाइट्रा भी इसे उड़ के भी दिखाऊंगा एंड आपको बताऊंगा कैसे उड़ते भी है। एंड इसके पास है अपना क्या बोलते हैं इसे फार्म, एंड ये काफी सही फार्म है यार, कुछ अभी छोटू आ गया। ओके भाई इसे मार दिया। एंड भाई ये मुझे कुछ ज्यादा सब चीजें देता है, बहुत ही सही है ये भाई। और इसके पास है अपना तबेला, जहाँ पे अपना घोड़े रखे हुए हैं, दो घोड़े हैं। एंड ये है अपना कोबल, सॉरी स्टोन जनरेटर, सीधा स्टोन निकलता है इसके अंदर से। एंड रुको देखो, अबे आता नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ऐसे भी। एंड इसके पास है अपना कोबल स्टोन जनरेटर, ये हमें देता है बहुत ही सही वाला कोबल स्टोन। और भाई और ये है अपना शुगर केन फॉर्म, जो हल्का हल्का थोड़ा बहुत तो दे ही देता है हमें शुगर केन, बहुत ही सही देता है ये, पर फिर भी अभी और चीजें देखा था, बहुत सारी चीजें अभी तो। एंड ये अपना डॉग हाउस, बहुत ही सही वाला डॉग हाउस है, खलनायक है इसका नाम। एंड खलनायक को मैं मार दूंगा अभी शायद अभी, तो भाई यार ये जल रहा नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है बेचारे को, काय को मारना बेफा दो। एंड आई थिंक मेरी डॉग्स की संख्या थोड़ी कम हो रखी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है अभी, वैसे भी गया गेम तो छोड़ने वाला हूँ मैं। तो भाई यार अगर आप सपोर्ट करोगे एंड तो यार आएगी न्यू सीरीज आने वाली है वीडियो की। एंड ये अपनी अमोंग अस बिल्डिंग, जहाँ पे क्रियोमेट हो रखे, क्रियोमेट के अंदर घर है जिसके अंदर विलेजर्स रहते हैं। हाँ भाई तो मैं कहता था, हाँ तो मैं अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो यार न्यू सीरीज आएगी न्यू माइनक्राफ्ट की, क्योंकि यार इसमें अभी गेम खत्म हो चुका है एंड अभी कुछ करने का है नहीं, क्योंकि यार मैंने सब कुछ पहले ही बना लिया। एंड अभी एक और चीज़ दिखा दो, और दिखा दो क्या क्या है। तो भाई अभी अपन जा आ चुके हैं अपने मेन एंटर पे, सेंटर पे, और अभी आगे चलते हैं। एंड ये है अपना सबसे ओपी वाली चीज़, रुको पास में थोड़ा दिखा दो। सो भाई ये है अपना ऑटोमेटिक फार्म,
जिससे अपन अगर दबाए थे तो पानी खुद ही निकलता है एंड उसके पास है हॉपर, हॉपर से खुद चेस्ट के अंदर चला जाता है। और ये है सबसे ओपी चीज एंड सबसे बेहतरीन चीज। ये है अपना फूल फार्म एंड ये है अपना एक्सपी फार्म, दोनों साथ में है, बहुत ही सही है। ये बहुत ही सही फूल फार्म है एंड ये एक्सपी फार्म भी है, क्योंकि यार मुझे जगह नहीं मिली तो मैंने इधर ही बना दिया, ठीक है, कोई दिक्कत की बात है नहीं ना। तो अभी ये कुछ है अपना यहाँ पर एंड अभी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा बाहर जाकर। ओके इधर आ चुके हैं एंड ये है अपना प्यारा सा आयरन फार्म जो मुझे काफी ज्यादा आयरन देता है, जिसकी मशीन ऑन करनी पड़ती है। और भाई ये है अपना बियकॉन, कुछ ऐसे तरीके से मैंने इसे प्लेस कर रखा है और इसका कुछ लाइट ऊपर तक जाता है। और ये है अपना ट्रेडिंग हॉल जो कि हमने स्टार्टिंग में बताया था, इससे मैंने मेंडिंग ले ली थी, दो दो मेंडिंग ली थी, एक मेरे ट्राइडेंट पे भी है, बहुत ही सही। अभी अपन जाएंगे लैंटन हाउस के पास। ये भाई अपना लैंटन हाउस जो कि एकदम सस्ता वाला लैंटन हाउस है, आई नो ये एकदम शेप में नहीं है पर कोई दिक्कत की बात है नहीं, वैसे भी अच्छा ही दिखता है, इसके अंदर जगह नहीं है, पूरा भरा हुआ है। एंड ये है अपना कुछ ऐसा दिखता है एंड ये है अपना बोट हाउस जी, जो है सस्ता बोट हाउस, बहुत ही बकवास है, आई नो पर कोई दिक्कत की बात नहीं। एंड ये भाई है अपना विदर जो कि बहुत ही सही है। एंड भाई आप लोगों ने देखा है विदर कैसा दिखता है, भैया इतना खतरनाक था वो भी, कोई दिक्कत नहीं है। अपना विदर हाउस बहुत ही सही दिखता है ये भी भाई। एंड आई थिंक सारी चीजें कवर हो चुकी हैं, देख सकते हो आप लोग कैसा दिखता है अपना विदर का हाउस। ओके तो चेस्ट हाउस रह चुका है, रुको चेस्ट हाउस भी दिखा देते हैं, ठीक है भाई। अभी अपन जाते हैं चेस्ट हाउस की ओर एंड यार सपोर्ट तो करो यार, प्लीज यार सच्ची फिर यार, प्लीज यार सच्ची में। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है अपनी मशीन एंड ये है अपना लॉन्गेस्ट ब्रिज जो यहाँ से विलेज तक कनेक्टेड है एंड ये सीधी विलेज तक जाती है भाई, बहुत ही सही है ये चीज भी हमें। एंड रुको एक सेकेंड, हाँ ठीक है अपन आ चुके हैं चेस्ट हाउस के पास, ये बहुत ही सही चीज है भाई, सच्ची में बहुत ही सही चीज है ये, जो दिखने में मतलब क्या ही है। ये कुछ इसका नीचे का एंड इसका सेकंड फ्लोर में ये कुछ है आर्मर्स हो रखे हैं यहाँ पर एंड इधर से पूरा अपना लुक आता है। एंड अभी अपन जाने वाले हैं विलेजर्स हाउस की ओर जो इसके पीछे ही है, बहुत ही सही वाला एंड कुछ ऐसा दिखता है अपना विलेजर्स का घर, बहुत ही सही दिखता है। एंड इसका इनका नाम भी है रखा हुआ है, मैंने क्या रखा हुआ है दिखाता हूँ रुको, इनका नाम देख ले आप लोगों ने, गाँव वाला बहुत ही सही नाम है भाई, मुझे तो बहुत ही सही लगा भाई सच में। एंड अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक और चीज जो कि मैं भूल गया हूँ, रुको रुको दिखा देते फटाफट से एक सेकेंड भाई। ओके तो यार आपको थोड़ा बहुत ग्लिच देखने को मिलेगा क्योंकि यार थोड़ा बहुत ग्लिच हो रहा है अपने गेम में, कोई दिक्कत की बात है नहीं, फिर भी अच्छा ही चल रहा है, स्मूथ चल रहा है। एंड अभी मैं आपको लेने जाने वाला हूँ सामने की तरफ जहाँ पे एक बड़ा सा टॉवर हो रखा है, MCP ही माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन लिखा हुआ, तो भाई उधर अपन जाने वाले हैं। एंड मैंने आपको बोला था कि मैं इलेट्रा भी उड़ के दिखाऊंगा, तो इलेट्रा भी उड़ के दिखाएंगे हम, ठीक है। ये वाली जगह मैंने आपको नहीं दिखाई। एंड भाई इसके पास है वाटर फाउंटेन, बहुत ही सही वाला है वाटर फाउंटेन भी, रुको भाई यार ऊपर जाने में काफी ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि काफी ज्यादा ऊपर है ये, ठीक है, पर फिर भी यार मुझे कुछ ज्यादा पटके नहीं पड़ते, दो तीन बार पटके पड़ते फिर मैं आ जाता हूँ ऊपर, ठीक है। बहुत ही सही है यार, ये देख पा रहे हो आप लोग। एंड यहाँ पर एक एरिया भी है जिधर अपन रह भी सकते हैं बहुत ही सही तरीके से, रुको रुको ऊपर जा रहे हैं अपन एकदम ओपी। तो भाई यार सपोर्ट तो करो, बार बार बोल रहे हो यार कि तो करो यार, ठीक है। एंड भाई अभी मैं आपको दिखा था इलेक्ट्रा पे उड़ के, 3 2 1 एंड रुको भाई यार अपन उड़ेंगे, एक सेकंड एक सेकंड, हैंग हो रहा है ब्रो मेरा फोन, हैंग हो रहा है। ओके 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 उड़ गए उड़ गए। तो देखा भाई हम मौत के घाट उड़ चुके थे एंड मेरा कीप इन्वेंटरी है, तो बहुत ही सही चीज है, अगर मेरा कीप इन्वेंटरी नहीं होता तो मेरी इतनी ज्यादा एक्सपी भी चले जाती, वैसे एक्सपी का कोई दिक्कत की बात है नहीं, पर फिर भी यार कीप इन्वेंटरी काफी ज्यादा सही चीज है। तो भाई मैंने उड़ना तो सीख लिया है, ट्यूटोरियल्स देख देख के मैं आपको भी सिखा देता हूँ। तो भाई आप लोगों को क्या करना है, जहाँ पे जंप का ऑप्शन है वहाँ पे डबल क्लिक करना है, फिर ऐसे पकड़ के रखना है फायर वर्क्स लेके, ऐसे पकड़ के रखना है, ठीक है। तो रुको मैं आपको दिखाता हूँ, देखो भाई अपन बहुत ही तेजी से ऊपर जाते हुए, और 3 1 सेकेंड 1 सेकेंड यहाँ पे क्लिक हो रहा है, 3 2
बहुत ही ज्यादा सही, बहुत ही ज्यादा सही भाई, अपन उड़ रहे हैं, अपन उड़ रहे हैं, लगना जाए भाई, लगना जाए, लगना जाए। हाँ शाह शाह, बहुत ही ओपी तरीके से अपन उड़ रहे हैं भाई, बहुत ही सही, बहुत ही ज्यादा सही। हाँ तो भाई हमने उड़ना भी सीख लिया है, जैसे कह रहा हूँ देख ही पा रहे हो। एंड अभी अपन एक और बार ट्राई करें, यानी तो मैंने आपको सिखा दिया, एंड भाई लर्न कैसे करना है वो भी सिखाऊँ, ठीक है, सिखा देते हैं, ठीक है। तो भाई एंड अभी देखो यार ये वाले वीडियो तो देख लो कम से कम, ठीक है भाई। अभी अपन एक काम करते हैं, अपने घर के ऊपर से उड़ने का ट्राई करते हैं, अगर घर से ऊपर उड़ सके तो बहुत सही रहेगा। तो अभी अपन इधर से ऊपर उड़ने का ट्राई करेंगे, अभी इधर से नहीं होता भाई, इधर से नहीं होता, सो भाई इधर से तो नहीं उड़ सकते अपन, तो रुको यार, वापस हमें एक्सपी फार्म की ओर जाना पड़ेगा। एंड मैं अभी आपको कैसा लैंड करना है एकदम सही तरीके से वो भी सिखा दूंगा। तो आ चुके हैं वापस से अपन अपने प्यारे से एक्सपी फार्म की ओर, बेयारे वाले में नहीं होगा शायद, ट्राई कर लेते हैं, ठीक है, वैसे कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो भाई अभी अपन यहाँ से सीधा उड़ना ट्राई करेंगे, एक सेकेंड है, तो भाई एक सेकेंड यार, हाँ उड़ गया उड़ गया उड़ गया उड़ गया उड़ गया उड़ गया। ओ भाई मतलब क्या ही मजा है, बहुत ही सही यार, बहुत ही ज्यादा सही भाई, कितना बड़ा है यार मेरा विलेज। एंड यहाँ पर देख पा रहे हो यहाँ पर कितना मैं सही लग रहा हूँ मुझे। तो अभी मैं कैसे, अगर आप लोगों को लैंड करना है तो मैं आपको सिखा दूँ लैंड को, जैसे तेरे को 2 मिनट 3 मिनट मुझे भी मजा लेने दे, तो ठीक है। एंड कुछ अभी लैंड कर लेते हैं क्या, रुको 2 3 मिनट और, तो भाई अभी थोड़ी बहुत और मजा ले लेंगे अपन। तो भाई इसके पास देख सकते हो आप लोग कितना ज्यादा सही चीज है। एंड अभी मैं क्या करने वाला हूँ तो देखो, अभी मैं लैंड करने वाला हूँ, ठीक है। तो लैंड क्या, लैंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने स्क्रीन को गोल 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 घुमाते जाओ, घुमाते जाओ, देखो मैं कुछ ऐसे तरीके से घुमाते जाओ, घुमाते जाओ अपने स्क्रीन को, बहुत ही सही, फिर आप आराम से मस्त लैंड कर पाओगे एकदम। देखो देखो देखो, ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, गोल 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 गोल, आराम से लैंड होगा, टेंशन की बात है नहीं। तो भाई आप लोग देख ही पा रहे हो मैं एकदम ओपी तरीके से एकदम स्मूथली लैंड हो चुका हूँ, पर मैं थोड़ा ऊपर हुआ था तो मेरे को पटके पड़े। तो चलो यार रखते हैं आज के स्टूडियो में इतना ही, एंड गुड बाय फॉरएवर। तो भाई आज के बाद वीडियो आने वाली है नहीं, तो बस बाय।